लोग अपने जीवन के सत्य को देखने से बचना चाहते हैं क्योंकि डरते हैं और डर उनका स्वाभाविक है। डरते हैं कि कहीं जीवन का सत्य देखा तो कहीं दुखी दुख हाथ में न रह जाए, इसलिए पीठ किए रहते, इसलिए आंख बचाए चले जाते, इसलिए आंख बंद कर लेते। मगर ऐसे तुम किसे धोखा दे रहे हो? ये धोखा स्वयं को ही दिया गया धोखा है। एक कहानी मैंने सुनी, एक शहर में एक नई दुकान खुली जहां कोई भी युवक जाकर अपने लिए एक योग्य पत्नी ढूंढ सकता था। एक युवक उस दुकान पर पहुंचा। दुकान के अंदर उसे दो दरवाजे मिले, एक पर लिखा था युवा पत्नी और दूसरे पर लिखा था अधिक उम्र वाली पत्नी। युवक ने पहले द्वार पर धक्का लगाया और अंदर पहुंचा। फिर उसे दो दरवाजे मिले, पत्नी वगैरह कुछ भी ना मिली। फिर दो दरवाजे, पहले पर लिखा था सुंदर, दूसरे पर लिखा था साधारण। युवक ने पुनः पहले द्वार में प्रवेश किया, न कोई सुंदर था न कोई साधारण, वहां कोई था ही ना। सामने फिर दो दरवाजे मिले जिन पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली और खाना न बनाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना, स्वाभाविक तुम भी यही करते। उसके समक्ष फिर दो दरवाजे आए जिन पर लिखा था अच्छा गाने वाली और गाना न गाने वाली। युवक ने पुनः पहले द्वार का सहारा लिया और अब कि उसके सामने दो दरवाजों पर लिखा था दहेज लाने वाली और न दहेज लाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना, ठीक हिसाब से चला, गणित से चला, समझदारी से चला, परंतु इस बार उसके सामने एक दर्पण लगा था और उस पर लिखा था आप बहुत अधिक गुणों के इच्छुक, समय आ गया है कि आप एक बार अपना चेहरा भी देख। ऐसी ही जिंदगी है, चाह 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 दरवाजों की टटोल, भूल गए अपना चेहरा देखना ही भूल गए। जिसने अपना चेहरा देखा उसकी चाह गिरी, जो चाह में चला वो धीरे धीरे अपने चेहरे को ही भूल गया। जिसने चाह का सहारा पकड़ लिया, एक चाह दूसरे में ले गई, हर दरवाजे दो दरवाजों पर ले गए, कोई मिलता नहीं, जिंदगी बस खाली है, यहां कभी कोई किसी को नहीं मिला। हाँ, हर दरवाजे पर आशा लगी कि और दरवाजे, हर दरवाजे पर तख्ती मिली कि जरा और चेष्टा करो, आशा बंधाई, आशा बंधी, फिर सपना देखा, लेकिन खाली ही रहे। अब समय आ गया, आप भी दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, अपने को पहचानो। जिसने अपने को पहचाना वो संसार से फिर कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि यहां कुछ मांगने जैसा है ही नहीं। जिसने अपने को पहचाना उसे वो सब मिल जाता है जो मांगा था नहीं मांगा था, और जो मांगता ही चलता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इस जिंदगी में तुम न केवल अपने को धोखा दे रहे हो, तुम्हारे जिनको तुम अपने कहते हो उनको भी धोखा दे रहे हो। घर में एक बच्चा पैदा होता है, तुम तो धोखे में जिए ही, तुम यही धोखा उसको भी सिखाते। तुम तो दुख में जिए ही, तुम इसी दुख का शिक्षण उसे भी देते हो। ऐसे पागलपन हटता नहीं संसार से, बढ़ता है। हम अपनी बीमारियां दूसरों को दिए चले जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने लड़के पर रोब गांठने के लिए एक दिन शिकार पर उसे साथ ले गया। वहां एक पक्षी पर निशाना साधते हुए लड़के से बोला, देख बेटे मेरा निशाना कितना अचूक होता है। यह कहकर उसने गोली दागी, हमेशा की तरह निशाना चूक गया। यह देखकर कि लड़का बहुत ध्यान से उड़ते पक्षी की ओर देख रहा है, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देख बेटे देख, आश्चर्य देख, मरकर भी पक्षी उड़ान भर रहा है। मगर कोई मानने को राजी नहीं कि निशाना अपना चूक गया है। बाप का निशाना चूक गया है, लेकिन बेटे से कह रहा, देख बेटे देख, निशाना तो लग गया, चमत्कार देख, फिर तुम्हें मौका मिले ना मिले, पक्षी मर के भी उड़ रहा है।
अगर तुम्हारा निशाना चूक गया हो तो किसी को भूल के भी ये आभास मत देना कि लग गया। अपनी हार को स्वीकार कर लेना, इससे तुम्हें भी लाभ होगा औरों को भी लाभ होगा। अपनी पराजय को मान लेना, क्योंकि तुम्हारी पराजय भी तुम्हारी विजय यात्रा का पहला कदम बनेगी। धोखा मत दिए चले जाना, यह अकड़ व्यर्थ है, इस अकड़ का कोई सार नहीं है।